जय श्री कृष्ण। आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12th में अगला अध्याय जो है वो प्रारंभ करेंगे। छठा अध्याय जो है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ था 1911 में, देहरादून में हुआ था। मात्र 8 वर्ष की आयु में आपकी माता जी का निधन हो गया था। तत्पश्चात इनकी 18 वर्ष की आयु में इनका विवाह हुआ और 6 वर्ष पश्चात ही इनकी पत्नी का भी निधन हो गया। जीवन के कठिन दौर में भी आपने हिम्मत निहारी और काव्य पाठ जारी लिखा। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं मेरी कविताएं, कुछ और कविताएं और काल तुझसे होड़ है मेरी ये इनकी प्रमुख कविता है। आज अपन जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस कविता का शीर्षक है ऊषा। ऊषा काल का यानी प्रातः काल का भोर के समय का जितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है वो बड़े ही दर्शनीय है। सूर्य उदय के कुछ समय पूर्व से सूर्य उदय तक का समय, भोर का समय जिसे अपन कहते हैं, सवेरे 4:30 बजे से लगा करके 6:30 बजे के आसपास का समय, इन 2 घंटों की अवधि में प्रकृति में नाना प्रकार के परिवर्तन होते हैं। यदि कभी अवसर मिले तो प्रातःकाल इन चीजों को देखना, नीले आकाश को इस समय अवधि में, आपको हर पल प्रकृति का एक नया रंग देखने को मिलेगा। उसी नए रंग को, वे जो परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तनों को कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी इस कविता के अंतर्गत बिंबों के माध्यम से, बिंबात्मक कविता, प्रतीकात्मक कविता जिसे अपन कह सकते हैं, बिंब के माध्यम से उस कविता को अपने सम्मुख रखा। बड़ी सहज सरल भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। तो देखिए कविता, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से दीपावा चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, प्रातः भोर काल में ने बताया 4:30 के आसपास का समय, सूर्य उदय के समय का समय, सूर्य उदय नहीं हुआ, उदय के समय का, बिल्कुल आकाश नीले शंख के समान था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने राख से दीपा हुआ चौका, चौका कहते हैं रसोई के आंगन, राख से दीपा हुआ और ब्रैकेट में दे रखा है जो अभी गीला हो। अब देखिए गीले और सूखने में क्या अंतर होता है, गीला होता है तब तक उसका रंग स्लेटी कलर, मटमैला कलर होता, सूखने पर राख का चौका जो कैसा सफ़ेद नजर आने लगता था, इसलिए उन्हें इंडिकेट किया, विशेष किया क्या कि अभी जो गीला है उस समय जो आकाश होता है उस राख से लीपे हुए चौके के समान, आंगन के समान प्रतीत होता है या दिखाई देता है। फिर सूर्य के प्रथम किरणों का प्रस्फुटन होता है, जैसे ही सूर्य की प्रथम किरणें निकलने लगती है तो पहली किरणें कैसे निकलती है, सूर्य की लालिमा से युक्त होती है। आपने कभी अवसर मिले तो देखना कि प्रातः काल जब सूर्य की प्रथम किरणें निकलती है तो लालिमा लिए होती है। अब उस काले रंग के वातावरण में जब लालिमा से युक्त किरणें निकलती है तो परिदृश्य कैसा होता है, बहुत काली सिल पर जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी, बहुत काली सिल पर, सिल व पात्र जिस पर अपन मसाले पीसते हैं, पत्थर की शिला जिसे अपन कहते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत काली सिल पर, बहुत बड़ी आकाश होगी ये काली शिला है और उस पर जरा से लाल केसर से, वे सूर्य की प्रथम किरणें लालिमा से युक्त जब उस पर गिरती है तो ऐसा लगता है कि उस सिल पर कुछ टुकड़े केसर के रख दिए गए हो कि जैसे धुल गई हो, उस केसर से धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, या ऐसा लगता है, एक तरफ तो कहता है ऐसा लगता है कि जैसे काली शिला के ऊपर किसी ने केसर बिखोर दी हो, या ऐसा भी लगता है ये बिंब दे रहा है, बिंब यानी पिक्चर, एक तस्वीर, ऐसा लगता है जैसे काली स्लेट हो बच्चे की और उस पर लाल खड़िया चौक जो जिप्सम जिसे खड़ी कहते हैं, सफ़ेद भी होती है लाल भी, कई तरह की उसमें रंग डाल करके बनाया जाता है, बच्चों को आपने देखा होगा भूरी और लाल रंग की चौक से लिखते हैं, तो ऐसा लगता है उस समय सूर्य की प्रथम किरणों का आगमन आकाश में कि उस काली स्लेट पर किसी बालक ने लाल खड़िया चौक से कुछ लिख दिया हो। और फिर क्या होता है, प्रथम किरणों के बाद सूर्य धीरे धीरे प्रकाश फैलने लगता है और ये मैंने बताया ये सारा जादू 6:30 बजे तक रहता है, जब सूर्य पूर्ण वेग के साथ निकल जाता है तब सारा जादू समाप्त हो जाता है। अब जैसे जैसे सूर्य की किरणें बढ़ती रहती है तब क्या लगता है, नील जल में
या किसी की गौर जिलमिल दे जैसे हिल रही। अब जो जो सूर्य का प्रकाश निकलने लगता तो वो काला आवरण हटने लगता और उस काले आवरण के भीतर से नीला आकाश दृश्यमान होने लगता है, नीला आकाश दिखाई देने लगता है। तो उस नीले आकाश को देख करके कवि ये कल्पना कर रहा है कि नील जल में या किसी की घोर झिलमिल दे यानी शरीर घोर यानी घोरा झिलमिल आभास देना। ऐसा लगता है जैसे किसी नीले समुद्र में या नीले जल में किसी घोर वर्ण की युवती की शरीर जो है या घोर वर्ण की बालिका का शरीर जो है वो उसका शरीर झिलमिलाता हुआ दिखाई देने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिल रही हो, जैसे हिल रही हो। परछाई क्या होती है, जल में परछाई स्थिर नहीं रहती, हिलती डुलती रहती। तो उस नीले आकाश में छोटे छोटे गोल सफ़ेद धब्बे जो होते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा कवि को कि बादलों की ये वाइट वाइट धब्बे उस नीले आकाश के ऊपर ऐसा दिखाई देते हैं जैसे कोई गोरी युवती का शरीर जल मिला रहा हो। जादू टूटता है इस ऊषा का अब सूर्य उदय हो रहा है, और ये सारा जादू तब टूट जाता है जब पूरा सूर्य उदय हो जाता है, जब पूर्णता के साथ सूर्य प्रकट होता है तब ये सारे रंग समाप्त हो जाते हैं। ये जादू अब तक जो दिखाई दे रहे थे ये जादू सारे क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ये कविता यहीं पर समाप्त होती है, बड़ी सरल सी कविता है और कोई इसका गहरा अर्थ नहीं है, जो जो पढ़ते जाओ क्योंकि इसका अर्थ भी समझ में आता रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।